सुनने पड़े गालियां वगैरह बांझ फलाना ढिकाना एकदम जिंदगी मतलब मौत के कगार पर आ गई थी मेरी, या तो मैं माँ बनी थी तभी जी पाऊंगी या फिर मेरे सामने मौत थी। और फिर आशीर्वाद हॉस्पिटल में कदम रखे एक उम्मीद के साथ, और यहाँ उम्मीद पूरी ही मैडम की डॉक्टर नलिनी मढ़िया जो है कि आशीर्वाद से उनके इलाज से मैं माँ बन पाई, मुझे माँ बनने का सुख प्रदान हुआ। मैं चन्नी माँ बनी उनका श्रेय मैडम जी मैं आपको देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद मैम जी। मैं सभी को सजेस्ट करती हूँ जो मेरे सामने आते। अच्छा, मैं और उसके मेरे भैया भी हुए सक्सेस, मैं भी हुआ, उनके बाद में दो लोगों को और भेजा, दो लोगों को और भेजा हूँ। एक मैं अशोका रतन के पास उनके उनके साथ उनके दामाद यूएस में थे और बैंगलोर में बेटी जॉब करती थी, मैं उनको भी भेजा हूँ, वो भी सक्सेस हुए उनकी भी शादी हुई, बहुत समय हुआ था, वो भी दो लोग और सक्सेस। मतलब हम लोग सुने में दुनिया में बहुत से हॉस्पिटल है ना, बहुत से हॉस्पिटल है, बहुत जगह हॉस्पिटल है जहाँ पे आईवीएफ होता है, तो मैं हमेशा यही सुनी हूँ कि लोगों से कि दूसरे हॉस्पिटल को लेकर कि मैं वहाँ कराई दूसरे हॉस्पिटल में आईवीएफ कराई, सक्सेस नहीं हुए, दो बार कराए, तीन बार कराए, सक्सेस नहीं हुए, ऐसा अदर्स हॉस्पिटल को लेके मैं सुनी हूँ। यहाँ के बारे में ऐसा नहीं सुनी, यहाँ पे आए, यहाँ सब लोग अच्छे हैं, सबका स्वभाव अच्छा है, और यहाँ आते ही हफ्ते में सक्सेस हुए, तो मैं हम लोग बात करते हैं कि मैं तहे दिल से करती है ठीक। नमस्ते।